ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का ये फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर वन को, यहाँ पे हो रहा है कॉस 80 डिग्री अपॉन साइन 10 डिग्री प्लस कॉस 59 डिग्री इंटू कॉस 31 डिग्री इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप ये दोनों एंगल को ऐड करिए, तो इसको ऐड करिएगा तो 90 आ रहा है। तो आपको पता है कि अगर दो एंगल को ऐड करने पे 90 डिग्री आ जाए तो किसी एक को बदलना होता है। यहाँ पे भी आप दोनों को ऐड करिएगा 59 और 31, तो यहाँ पे भी 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी किसी एक को बदलना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पे ऊपर वाला को बदल रहे हैं कॉस 80 को। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 90 माइनस थीटा। और यहाँ पे देखिए थीटा की जगह कितना है, 80 डिग्री है। तो जब आप यहाँ पे थीटा की जगह 80 डिग्री पुट करिएगा तो ये हो जाएगा कॉस 80। और जब आप यहाँ थीटा की जगह 80 पुट किए हैं तो यहाँ पे भी थीटा की जगह 80 रखना होगा, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 80। यानी कॉस 80 को आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 80। तो इस तरीके से इसको चेंज किया जाता है। तो यहाँ पे ऊपर वाला को बदलिए तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 80, और नीचे वाले को ऐसे ही रहने दीजिए, तो यहाँ पे साइन 10 डिग्री। अब इस तरफ आइए तो यहाँ पे है प्लस, फिर यहाँ पे भी दोनों में से किसी एक को बदलिए। तो यहाँ पे हम कॉस 59 को बता रहे हैं, तो कॉस थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 माइनस, इतना तो फॉर्मूले होता है, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू है 59, तो यहाँ पे हो जाएगा 59। और फिर इनटू में है कॉसिक 31, तो इसको भी लिखिए कॉसिक 31। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे इसको घटाइए, तो यहाँ पे घटाइएगा तो ये हो जाएगा साइन 10, और नीचे में भी है साइन 10 प्लस, यहाँ पे भी इसको माइनस कर लीजिए तो ये हो जाएगा साइन 31 इंटू कॉसिक 31। तो इसके बाद देखिएगा साइन 10 से साइन 10 ये कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस, और यहाँ पे देखिए साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा, आप पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अपोजिट का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 होगा। जैसे साइन का अपोजिट कॉसिक होता है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 होगा। सिर्फ कंडीशन यही है कि थीटा का वैल्यू दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थीटा का वैल्यू दोनों जगह क्या है, सेम है। तो साइन 31 इंटू कॉसिक 31 इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों को ऐड कर दीजिए तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहाँ पे हो रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा इज। यहाँ पे बोला कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे पहले इसको नोट कर लीजिए। तो ये दे रखा है साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा प्लस, फिर दे रखा है कॉस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा, इस तरीके से। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे साइन थीटा को साइन थीटा ही रहने दीजिए। और यहाँ पे बताइए कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा प्लस, फिर कॉस थीटा को कॉस थीटा ही लिखिए। और यहाँ पे बताइए साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे पुट हो जाएगा कॉस थीटा। इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे बोल रहा है द वैल्यू ऑफ साइन पे पावर 4 थीटा माइनस कॉस पे पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज। यहाँ पे बोला कि इसका वैल्यू क्या आएगा, तो सबसे पहले आप इसको नोट करिए। तो यहाँ पे ये दे रखा है साइन पे पावर 4 थीटा माइनस कॉस पे पावर 4 थीटा, और नीचे में दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। तो इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे ऊपर में है साइन पे पावर 4 थीटा, तो इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस, और कॉस पे पावर 4 थीटा को लिखिए कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में जो है उसको रहने दीजिए। तो यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा,
इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे ऊपर वाले को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, ये वाला टर्म हो जाएगा ए और ये वाला हो जाएगा बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आपको क्या करना है कि ए के जगह पुट करना होगा साइन स्क्वायर थीटा और बी के जगह पुट करना होगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, फिर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और नीचे में जो है उसको लिखिए, तो यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर में भी है और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नीचे में भी है, तो ये पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे जो ऊपर में बच गया उसको लिखिए, तो यहाँ पे ऊपर में बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, वन होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा वन, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर, यहाँ पे हो रहा है इफ वन अपॉन वन प्लस साइन थीटा प्लस वन अपॉन वन माइनस साइन थीटा इक्वल टू के सेक स्क्वायर थीटा देन द वैल्यू ऑफ के इच। यहाँ पे देखिएगा, ये चीज़ दे रखा है तो हमसे बोला कि के का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे पहले जो चीज़ दे रखा है इसको आप नोट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस साइन थीटा प्लस, फिर दे रखा वन अपॉन वन माइनस साइन थीटा इक्वल टू के सेक स्क्वायर थीटा, ये चीज़ दे रखा था। अब देखिए इसके बाद आप क्या करिए ना कि यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे एलसीएम लीजिए, तो वन प्लस साइन थीटा और वन माइनस साइन थीटा इसका एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ पे ये दोनों इनटू में आ जाएगा, डेट मीन्स वन प्लस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा इस तरीके से। इसके बाद देखिए यहाँ पे वन प्लस साइन थीटा से कटेगा वन प्लस साइन थीटा, तो बचेगा वन माइनस साइन थीटा और इसको वन से मल्टीप्लाई करिए, तो यही चीज़ रहेगा वन माइनस साइन थीटा प्लस, इसके बाद वन माइनस साइन थीटा से कटेगा वन माइनस साइन थीटा, तो बचेगा वन प्लस साइन थीटा और इसको वन से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे वन प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे इधर जो है इसको लिखिए, तो यहाँ पे है के सेक स्क्वायर थीटा। तो इसके बाद देखिएगा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, तो ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर में बताइए कितना हो जाएगा वन प्लस वन, तो यहाँ पे हो जाएगा टू, और नीचे में देखिएगा यहाँ पे वन प्लस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए का वैल्यू वन है तो वन का स्क्वायर करिए तो वन हो जाएगा माइनस, और बी स्क्वायर तो बी का वैल्यू है साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इस तरफ जो है इसको लिखिए, तो यहाँ पे है के सेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा टू अपॉन, यहाँ पे बताइए वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो फिर यहाँ पे देखिए, जैसे आप पढ़े हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस में है, तो आप क्या करिएगा साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेज दीजिए, तो ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो इस तरफ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे पुट हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे जो है इसको लिखिए, तो यहाँ पे है के सेक स्क्वायर थीटा। तो इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे बताइए कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है, तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे इसको आप टू इंटू वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे लिख सकते हैं ना, इक्वल टू के सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिएगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो गया टू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू के सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा से कटेगा सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे बच गया टू, इधर बच गया के, यानी के का वैल्यू आ जाएगा टू। क्वेश्चन नंबर फाइव, यहाँ पे हो रहा है इफ अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू के टेन थीटा एंड थीटा ग्रेटर देन जीरो डिग्री लेस देन 90 डिग्री, तो यहाँ बोल रहा है देन के इक्वल टू भाट। तो यहाँ पे देखिए जो चीज़ दे रखा है ना इसको पहले आप नोट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा हेयर
अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू के टेन थीटा, ये चीज़ें रखा है तो यहाँ पे इसको हम नोट कर लिए हैं। तो इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर थीटा इसके जगह पे, और यहाँ पे इंटू में सेक स्क्वायर थीटा है तो इसको भी लिखिए सेक स्क्वायर थीटा, और इधर के टेन थीटा तो इसको लिखिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो स्क्वायर है वो दोनों के ऊपर है, तो आप क्या करिए ना कि दोनों को इंटू में लिखिए, डेट मीन्स साइन थीटा इंटू सेक थीटा, और पूरा आप ये स्क्वायर चढ़ा दीजिए इस तरीके से। तो जब आप ब्रैकेट हटाइएगा तो ये जो स्क्वायर है वो दोनों के ऊपर आ जाएगा, और इस तरफ जो है इसको लिखिए तो यहाँ पे है के टेन थीटा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर से रूट क्या होगा, खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा साइन थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू के टेन थीटा। तो इसके बाद देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, और सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का, तो सेक को आप लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा के, और टेन को साइन कॉस में तोड़िए तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा इस तरीके से। अब देखिएगा इसके बाद यहाँ पे साइन थीटा से कटेगा साइन थीटा ऊपर ऊपर, और कॉस थीटा से कटेगा कॉस थीटा नीचे नीचे, तो यहाँ पे इस तरफ बच गया ओ1 और उस तरफ बच गया के, यानी के का वैल्यू आ जाएगा ओ1। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे हो रहा है इफ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 3 देन कॉस थीटा इक्वल टू भार। यहाँ पे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू दे रखा है, तो हमसे बोला कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे जो चीज़ दे रखा है पहले इसको लिखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा हेयर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 3 दे रखा है, तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब आप बताइए कि कॉसेक और कॉट के टर्म में एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता है, इसको यहाँ पे पहले लिखिए, तो ये हो जाएगा बी नो डेट कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये तो आपको पता है। तो इसके बाद देखिए कॉसिक स्क्वायर थीटा को आप कॉसिक थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस, और कॉट स्क्वायर थीटा को आप कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू 1 है तो इक्वल टू 1। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक बार यहाँ पे दोनों को ऐड कर दीजिए, डेट मीन्स कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू फिर हो जाएगा कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे इक्वल टू 1 है तो इक्वल टू 1। इसके बाद देखिएगा कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसका वैल्यू देखिए इक्वेशन 1 में दे रखा है 3 है, तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा, तो डिवाइड में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3, और इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब देखिएगा यहाँ पे इक्वेशन 1 में कॉट थीटा है प्लस में, और इक्वेशन 2 में कॉट थीटा है माइनस में, तो यहाँ पे आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, यहाँ पे देखिएगा इक्वेशन 1 प्लस 2, तो यहाँ पे पहले इक्वेशन 1 को लिख देते हैं, तो ये था कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 3, यह है इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 को लिखिए, तो ये है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/3। अब यहाँ पे दोनों को ऐड करिए, तो जब आप दोनों को ऐड करिएगा तो कॉट थीटा प्लस और कॉट थीटा माइनस, तो ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पे कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, तो ये हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा इक्वल टू, आरएचएस में ऐड करिए तो यहाँ पे 3 प्लस 1/3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए 3 तो 9 प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा इक्वल टू 10/3। तो इसके बाद देखिएगा कॉसेक को साइन में बदल दीजिए, तो ये हो जाएगा यहाँ पे इसको काट दीजिए 2 से 10 को 5 बार में,
और कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/sin थीटा, क्योंकि कॉसेक साइन का अपोजिट होता है, और यहाँ पे 5/3। अब यहाँ पे देखिए, इसको आप उलट दीजिए दोनों तरफ, तो इसको जब उलटिएगा तो यहाँ पे 1/sin थीटा है, तो उलटिएगा तो sin थीटा/1 हो जाएगा, डेट मीन sin थीटा, और इस तरफ भी उलटिए तो ये हो जाएगा 3/5, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो sin थीटा का वैल्यू आ गया 3/5। यहाँ पे आप चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तब भी sin थीटा का वैल्यू 3/5 ही आएगा। अब इसके बाद देखिएगा, आपसे cos थीटा का वैल्यू पूछा था, तो अब तो cos थीटा का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे sin थीटा का वैल्यू आया था 3/5। तो अब आप बताइए कि sin थीटा के टर्म में ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है? ये होता है sin²θ + cos²θ इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप क्या करिए कि sin थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा। जैसे sin थीटा का वैल्यू है 3/5, तो यहाँ पे रखिए, तो ये हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर + cos²θ = 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 + cos²θ = 1। अब 9/25 को उस तरफ ले जाके माइनस कर लीजिए, इस तरह बच जाएगा cos²θ = 1 - 9/25, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये हो जाएगा cos²θ = यहाँ पे आप 25 LCM ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 - 9। तो इसके बाद देखिएगा, अब यहाँ पे स्क्वायर को उस तरह भेजिए, जैसे यहाँ पे आप इसको cos θ² लिख सकते हैं ना, इक्वल टू हो जाएगा 16/25। तो यहाँ पे स्क्वायर को उस तरफ भेजिए, तो ये हो जाएगा cos θ = स्क्वायर, इस तरफ आएगा तो रूट में बदल जाएगा 16/25। तो यहाँ से बताइए cos θ का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16 का रूट 4 और 25 का 5, तो cos θ का वैल्यू आ जाएगा 4/5। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे बोल रहा है इफ cosec θ - cot θ = 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec²θ + cot²θ = 1। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे वैल्यू दे रखा है, हेयर cosec θ - cot θ = 2 दे रखा है, तो इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1। अब यहाँ पे लिखिए, बी नोटेड, ये हो जाएगा cosec²θ - cot²θ = 1। तो यहाँ पे देखिए, cosec²θ को आप cosec θ² लिख सकते हैं, माइनस, और cot²θ को आप cot θ² लिख सकते हैं, = 1। इसको a² - b² पे डिराइव करिए, तो ये हो जाएगा a + b, डेट मीन्स cosec θ + cot θ * a - b, डेट मीन्स cosec θ - cot θ, और यहाँ पे = 1 है, तो = 1 आएगा। अब देखिएगा, cosec θ - cot θ का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे cosec θ - cot θ, इसके जगह आप 2 पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा cosec θ + cot θ, और यहाँ पे 2 * में हो जाएगा = 1। अब इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ से cosec θ + cot θ का वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा cosec θ + cot θ = 2। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, तो नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा, डेट मीन्स ये हो जाएगा 1/2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब आपको क्या करना है ना, कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को सोल्व करके cosec θ और cot θ का वैल्यू निकाल लीजिए, और उसके बाद इस उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो इसका वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप दोनों इक्वेशन को ऐड करिए, इक्वेशन 1 + 2, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन 1 दे रखा है cosec θ - cot θ = 2, ये है इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 को लिखिए, तो ये दे रखा है cosec θ + cot θ = 1/2। अब यहाँ पे आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, तो -cot θ और + cot θ ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पे इधर दोनों को ऐड करिए, तो cosec θ + cosec θ, तो ये हो जाएगा 2 cosec θ = RHS में दोनों को ऐड करिए, तो हो जाएगा 2 + 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 cosec θ =
यहाँ पे एलसीएम लिख के ऐड करिए इसको, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ये आ जाएगा 5/2। आप एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे 2 एलसीएम आएगा तो 2 × 2 4+1 हो जाएगा, और 4+1 5। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ से बताइए कॉसेक थीटा का वैल्यू, तो यहाँ पर देखिएगा इस 2 को इस 2 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ऊपर में तो 5 ही रहेगा और यहाँ पे 2 × 2 4, यानी कॉसेक थीटा का वैल्यू आ जाएगा 5/4। अब इसके बाद देखिए इस कॉसेक थीटा के वैल्यू को या तो आप इक्वेशन 1 में पुट करिए या फिर 2 में पुट करिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए पुट वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा इक्वल टू 5/4, यहाँ पे हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं इन 2। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 को आप लिख लीजिए, इक्वेशन 2 है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे देखिए कॉसेक थीटा का वैल्यू 5/4 आया है तो इसको यहाँ पे रखिए, तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1/2। अब आपको क्या करना है कि 5/4 को उधर ले जाके माइनस कर लेना है, तो यहाँ पे इस तरह बचेगा कॉट थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2, और 5/4 को इधर ला के माइनस करिए ये हो जाएगा -5/4। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो 4 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 − 5, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू -3/4। तो ये हो गया कॉट थीटा का वैल्यू। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे वैल्यू निकालना है आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे इसको नोट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा नाउ कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो कॉसेक थीटा का वैल्यू है 5/4, तो यहाँ पे रखिए तो ये हो जाएगा 5/4 और स्क्वायर है तो यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस कॉट थीटा का वैल्यू है -3/4 तो यहाँ पे हो गया -3/4 और यहाँ पे भी स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16 प्लस, और यहाँ पे भी -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और नीचे 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम आ जाएगा 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 प्लस 9, तो इसको ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 34/16। इसको काटिए 2 से 17 बार में और 2 से 8 बार में, तो ये हो जाएगा 17/8। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे हो रहा है इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एम देन द वैल्यू ऑफ सेक पी पावर 4 थीटा माइनस टेन पी पावर 4 थीटा माइनस 2 sec थीटा इंटू टेन थीटा इच। तो यहाँ पे देखिएगा जो सी दे रखा है ना इसको पहले आप नोट करिए, तो यहाँ पे दे रखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एम दे रखा है, तो यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब यहाँ पे आप याद करिए कि सेक और टेन के टर्म में जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी होता है उसको लिखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा बी नोट एट ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये तो आपको पता ही है। अब देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा को आप सेक थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इसको लिखिए सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस, और टेन स्क्वायर थीटा को टेन थीटा का होल स्क्वायर लिख दीजिए और यहाँ पे इक्वल टू 1। तो इसके बाद देखिएगा ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी डेट मीन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू फिर होता है ए माइनस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और यहाँ पे इक्वल टू 1 है तो इक्वल टू 1। इसके बाद देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू एम है तो यहाँ पे इसके जगह एम पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा एम इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे एम है जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो एम इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/m, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे हम sec थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू निकाल लिए हैं।
अब आप क्या करिए ना कि जिसका वैल्यू निकालना है ये वाला sec पी पावर फोर थीटा माइनस टेन पी पावर फोर थीटा माइनस टू sec थीटा इंटू टेन थीटा, तो यहाँ पे इसको आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिएगा ये दे रखा है sec पी पावर फोर थीटा माइनस टेन पी पावर फोर थीटा माइनस टू sec थीटा इंटू टेन थीटा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा sec पी पावर फोर थीटा है तो sec पी पावर फोर थीटा को आप sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरीके से, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। माइनस और tan पी पावर फोर थीटा तो इसको भी आप tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख दीजिए, इधर जो है उसको लिखिए, तो माइनस टू sec थीटा इंटू टेन थीटा। तो इसके बाद देखिएगा यहाँ पे ये वाला हो जाएगा a और ये वाला हो जाएगा b, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी डेट मीन sec स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे जो है ये वाला टर्म इसको भी लिखिए, तो ये है माइनस टू sec थीटा इंटू टेन थीटा। इसके बाद ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे होता है ये sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है ओवन होता है, तो यहाँ पे तो ओवन हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया sec स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे इंटू ओवन हो जाएगा और माइनस टू sec थीटा इंटू टेन थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद देखिए तो यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा है तो sec स्क्वायर थीटा को आप sec थीटा का होल स्क्वायर लिख दीजिए प्लस, और tan स्क्वायर थीटा है तो इसको आप tan थीटा का होल स्क्वायर लिख दीजिए और यहाँ पे ओवन से इसमें मल्टीप्लाई करिए तो यही चीज़ रहेगा। इसके बाद इसको लिखिए माइनस टू sec थीटा इंटू टेन थीटा। अब यहाँ पे देखिएगा अब ये वाला है ये टूट जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे, यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर इसको ए मान लीजिए और यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर इसको बी मान लीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे फार्मूला बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो यहाँ पे इसको हम लिख दे रहे हैं इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी। हालांकि इसका एक फार्मूला और होता है, इसका एक फार्मूला और होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, लेकिन हम यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे। अगर आप इस फॉर्मूला का यूज़ करिएगा तो यहाँ पे आपको एक स्टेप और करना होगा, जैसे अगर आप इस फॉर्मूला का यूज़ करिएगा ना तो यहाँ पे आपको sec थीटा और tan थीटा दोनों का वैल्यू निकालना होगा। जैसे यहाँ पे इक्वेशन वन और इक्वेशन टू है तो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू दोनों को सोल्व करके जैसे पिछले वाले इक्वेशन में किए थे, तो यहाँ पे भी दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आपको sec थीटा और tan थीटा का वैल्यू निकालना होगा अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं सेकेंड वाला, तो लेकिन हम यहाँ पे फर्स्ट वाला की यूज़ करेंगे तो ऐसा कुछ करना नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे समझिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए के जगह पुट करिए sec थीटा और बी के जगह पुट करिए tan थीटा, तो यहाँ पे रखिए तो ये हो जाएगा ए के जगह sec थीटा माइनस बी के जगह tan थीटा और ये पूरा का स्क्वायर है, तो पूरा का स्क्वायर हो जाएगा फिर अब प्लस टू ए बी, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस टू और ए के जगह sec थीटा और बी के जगह tan थीटा। पहले यहाँ तक बताइए कि यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डिराइवेशन है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब यहाँ पे ये वाला जो टर्म है इसको भी लिखना होगा, तो ये है माइनस टू sec थीटा इंटू tan थीटा। अब यहाँ पे देखिएगा प्लस टू sec थीटा इंटू टेन थीटा माइनस टू sec थीटा इंटू टेन थीटा, ये दोनों सेम है और प्लस माइनस में तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया sec थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब आप याद करिए इक्वेशन टू में आप sec थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू निकाले थे, तो यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन टू, तो यहाँ पे आप देखिए इक्वेशन टू को, तो यहाँ पे देखिएगा इक्वेशन टू में sec थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू ओवन बाई एम है, तो ये वाला वैल्यू आपको पुट करना है, तो यहाँ पे देखिएगा sec थीटा माइनस टेन थीटा की जगह पुट करिए ओवन बाई एम, तो ये हो जाएगा ओवन बाई एम का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ओवन का स्क्वायर ओवन और एम का स्क्वायर करिएगा तो एम स्क्वायर,
तो इसका आंसर आ जाएगा वन अपॉन एम स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे हो रहा है द वैल्यू ऑफ कॉस पी पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फिर नीचे में दे रखा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन पी पावर 4 थीटा। यहाँ बोला कि इसका वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये दे रखा है कॉस पी पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद नीचे में देखिएगा, नीचे में दे रखा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन पी पावर 4 थीटा, इस तरीके से। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको कॉमन लेना है। और कॉमन कैसे लेना है, जैसे देखिए यहाँ पे पावर 4 है ना, तो यहाँ पे पावर 4 को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे ये दोनों से कॉमन ले लीजिए, और नीचे में पावर 4 यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको ये दोनों से कॉमन लेना होगा, इस तरीके से। जैसे यहाँ पे देखिएगा, ऊपर में यहाँ पे ये दोनों से कॉमन लीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर भी है और कॉस स्क्वायर थीटा इधर भी रहेगा, तो आप ये दोनों से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब आप कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे कॉस पे पावर 4 है, और जब आप कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले रहे हैं तो कितना बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, काहे कि 4 कॉस था जिसमें आप 2 बाहर निकालें तो 2 को तो बचेगा ना यहाँ पे, तो कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बाहर निकल गया, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे इसको लिखिए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए नीचे में, तो यहाँ पे पहले कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दीजिए प्लस। अब यहाँ पे बताइए ये दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा इधर भी है और साइन स्क्वायर थीटा इधर भी है, तो आपको कॉमन लेना होगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ले लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉमन। तो जब साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे बाहर ही निकल गया तो बचा कौन, सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस। और यहाँ पे बताइए यहाँ पे कितना बचेगा, तो 4 गो साइन है जिसमें से 2 साइन आप बाहर निकाले हैं, तो 2 को तो बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। इसके बाद देखिएगा, अब यहाँ पे होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है 1, और 1 को कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करिए तो ये कॉस स्क्वायर थीटा ही रहेगा, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा है तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको नीचे में देखिए, तो यहाँ पे पहले कॉस स्क्वायर थीटा को लिखिए प्लस, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना 1 होगा, और 1 को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करिए तो ये भी रहेगा साइन स्क्वायर थीटा ही। तो यहाँ पे ऊपर में देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता 1 ना, तो यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा 1, और नीचे में भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो यहाँ पे 1/1, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे हो रहा है इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 3/5 देन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू दे रखा है, तो हमसे बोला कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे पहले जो चीज़ दे रखा है इसको नोट करिए, तो यहाँ पे दे रखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 3/5। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप करिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस तरफ स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इस तरफ जब आप स्क्वायर करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो यहाँ पे होता है ए स्क्वायर और ए की जगह साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर होता है प्लस बी स्क्वायर और बी की जगह है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर होता है माइनस 2ab, तो यहाँ पे हो गया माइनस 2, ए की जगह साइन थीटा और बी की जगह कॉस थीटा। इसके बाद RHS में आइए, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो इसके बाद देखिएगा,
तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होगा, ओवन होगा, तो यहाँ पे हो गया ओवन माइनस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 9/25। तो इसके बाद देखिए, अब क्या करिए ना कि 9/25 को इधर ले आइए और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को उस तरफ लेके चल जाइए। तो यहाँ पे पहले से ओवन है और 9/25 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि उस तरफ वो प्लस में है, और यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को इधर लाइए तो ये माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम होगा 25, तो यहाँ पे हो जाएगा 25-9 इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो 25-9 तो यहाँ पे इसको घटाइए तो हो जाएगा 16/25 इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 8 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 8/25 इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और आपसे वैल्यू ही पूछा था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का ही, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 8/25। तो इस तरीके से आप इसको निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे हो रहा है द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 2° प्लस साइन स्क्वायर 4° प्लस साइन स्क्वायर 6° प्लस डॉट 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 दे रखा है, फिर बोल रहा है प्लस साइन स्क्वायर 90° ईच। तो यहाँ पे देखिएगा, पहले जो चीज़ दे रखा है इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हेयर साइन स्क्वायर 2° प्लस साइन स्क्वायर 4° प्लस साइन स्क्वायर 6° प्लस फिर है डॉट 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 साइन स्क्वायर 90° इस तरीके से। तो इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं ना कि जैसे बीच में भी बहुत सारा वैल्यू है तो बीच वाला भी कुछ वैल्यू को आप लिखिए, जैसे यहाँ पे है साइन स्क्वायर 2° प्लस साइन स्क्वायर 4° यहाँ पे दो ही लिखिए, इसके बाद आप कर दीजिए डॉट डॉट डॉट, इसके बाद बीच वाला लिख लीजिए दो को। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो भी नंबर है जैसे 2, 4, 6 तो ये सारा इवेन नंबर है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इवेन वाला ही लिखना है। तो यहाँ पर देखिएगा, बीच से हम ले लेते हैं साइन स्क्वायर 44°, फिर हो जाएगा इसके बाद 44 के बाद इवन नंबर 46, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 46°, फिर डॉट 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 कर दीजिए, फिर लास्ट वाला ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 4 है, तो 4 में कितना ऐड करिएगा कि 90 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 86, 4 में 86 ऐड करिएगा तो 90 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 है, तो 2 में कितना ऐड करिएगा कि 90 आएगा, 88 ना, और ऐसे भी 86 के बाद 88 ही आएगा इवन नंबर, तो यहाँ पे हो जाएगा 88°। और यहाँ पे एक लास्ट में था साइन स्क्वायर 90, तो इसको भी लिखना होगा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर 90। पहले आप यहाँ तक बताइए कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए, अब आप पेयर लगा दीजिए, जैसे जिस दो एंगल को ऐड करने पर 90 आ जाए उसको एक जगह कर लीजिए, जैसे साइन स्क्वायर 2° और साइन स्क्वायर 88, 2 और 88 को ऐड करिएगा तो 90 आएगा ना, इसके बाद 4 और 86 इसको भी ऐड करिएगा तो 90 आ जाएगा। तो ये दोनों को एक जगह करिए और ये दोनों को भी एक जगह करिए, और यहाँ पे इसको भी ऐड करिएगा तो 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे साइन स्क्वायर 2° प्लस इसके साथ आएगा साइन स्क्वायर 88°, इसके बाद देखिए फिर है साइन स्क्वायर 4° प्लस, और 4 में 86 ऐड करिएगा तो 90 आएगा, तो यहाँ पे इसके साथ आ जाएगा साइन स्क्वायर 86°। यहाँ पे हम अरेंज कर रहे हैं, जिस दो एंगल को ऐड करने पे 90 आ रहा है उसको हम एक जगह लिख रहे हैं, फिर हो जाएगा प्लस, यहाँ पे कर दीजिए आप डॉट डॉट डॉट, जैसे यहाँ पे 4 के बाद क्या है डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पे भी आप कर दीजिए डॉट डॉट डॉट, इसके बाद इसको लिखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 44° प्लस इसके साथ आएगा साइन स्क्वायर 46°, और जो लास्ट में इसको लिख लीजिए, तो यहाँ पे लास्ट में है साइन स्क्वायर 90। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, यहाँ पे जिस दो एंगल को ऐड करने पे 90 आएगा उसको हम एक जगह लिख लिए हैं,
तो 288, 486 और भी बीच में बहुत सारा पेयर आएगा और लास्ट वाला पेयर आएगा 44 और 46 और यहाँ पे लास्ट में साइन स्क्वायर 90। जैसे इसके बाद तो कोई पेयर आएगा ही नहीं, 44, 46 ये ही आपका लास्ट पेयर है। अब यहाँ पे बताइए यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू वन हो जाएगा। और कैसे वन होगा जो आप समझिए, जैसे आपको पता है ना कि अगर जिस दो एंगल को ऐड करने पे 90 आ जाए तो उसमें किसी एक को बदलना पड़ता है। जैसे यहाँ पे या तो साइन स्क्वायर 2 को बदलिए या फिर साइन स्क्वायर 88 किसी एक को बदलिए। तो जैसे हम इसको बदल देते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस, इतना तो फॉर्मूले होता है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, और यहाँ पर देखिए थीटा का वैल्यू 2 है तो यहाँ पर थीटा की जगह 2 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ भी प्लस साइन स्क्वायर 88 है तो इसको भी लिखिए प्लस साइन स्क्वायर 88 प्लस। अब यहाँ पे भी देखिए ये दोनों को ऐड करिएगा तो 90 आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसको बदल रहे हैं साइन स्क्वायर 4 को, तो साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस और थीटा का वैल्यू 4 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा प्लस फिर साइन स्क्वायर 86 है तो इसको भी लिख दीजिए। इसके बाद है डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पे लगाइए डॉट 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 प्लस। अब यहाँ पे ये दोनों को भी ऐड करिएगा तो 90 आ रहा है, तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर 44 को चेंज करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस और थीटा का वैल्यू 44, तो यहाँ पे आ जाएगा 44 और प्लस साइन स्क्वायर 46 है तो इसको भी लिख दीजिए। और यहाँ पे देखिएगा इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए साइन स्क्वायर 90। पहले आप बताइए कि इस स्टेप में आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे इसको माइनस करिए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 88 प्लस साइन स्क्वायर 88। इसके बाद देखिए यहाँ पे भी माइनस करिए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 86 प्लस साइन स्क्वायर 86, फिर हो जाएगा प्लस, इसके बाद है डॉट डॉट डॉट। फिर यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे भी माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 46 प्लस साइन स्क्वायर 46 और यहाँ पे है साइन स्क्वायर 90। तो यहाँ पे बताइए साइन 90 का वैल्यू वन होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा वन का स्क्वायर। इसके बाद बताइएगा तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 88 प्लस साइन स्क्वायर 88, तो अब जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू वन होता है, कंडीशन यही है कि थीटा का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थीटा का वैल्यू क्या है, सेम है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा वन प्लस। यहाँ पे बताइए साइन स्क्वायर 86 प्लस कॉस स्क्वायर 86, तो इसका वैल्यू वन आएगा, तो यहाँ पे भी हो गया वन प्लस, फिर है डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ पे प्लस दीजिए, फिर यहाँ पे आ जाइए तो साइन स्क्वायर 46 प्लस कॉस स्क्वायर 46, तो यहाँ पे भी इसका वैल्यू वन आएगा, तो ये हो गया वन प्लस और वन का स्क्वायर वन। अब यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक कुल कितना वन है, ये तो ओवन है ये वाला, और ये वाला कुल पेयर वाला ओवन है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो बीच में डॉट 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 है ना, तो बीच में भी बहुत सारा ओवन होगा। तो अब आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कुल कितना ओवन है, तो देखिए कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे आप पेयर लगाए थे, जैसे एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, अब बीच में और डॉट 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 है, जैसे बीच में और भी बहुत सारा पेयर आएगा तो कितना पेयर आएगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे दो है, फिर चार है, फिर लास्ट में 44 है। तो यहाँ पे देखिए एक तरीका बताते हैं, जैसे यहाँ पे करिए, जैसे दो से शुरू हुआ था और आपको इवन नंबर ही लेना है और 44 तक जाना है, तो ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, फिर हो जाएगा 18, 20, 22, 24, फिर 26, 28, 30, 32, 34, फिर हो जाएगा 36, 38, 40, 42 और 44, लास्ट में 44 था, तो आपको यहीं तक जाना है। अब गिन लीजिए कुल कितना नंबर है,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यानी टोटल नंबर है कितना 22। यानी आपको पता चल गया कि टोटल पेयर बनेगा वो टोटल पेयर कितना बनेगा 22 पेयर बनेगा, किसमें भी कोई दिक्कत है। और अगर आपको इतना नहीं करना है तो जैसे देखिए, फर्स्ट वाला था 2 और इसके बाद था 4 और फिर लास्ट वाला था 44। तो जैसे बीच में कुल कितना नंबर है, कुल इवन नंबर। तो यहाँ पे क्या करिए ना कि ये जो फर्स्ट नंबर है इसको लास्ट नंबर में डिवाइड कर दीजिए, फर्स्ट नंबर से लास्ट नंबर में डिवाइड कर दीजिए। तो ये 44/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 22। यानी टोटल बीच में कितना नंबर है, 22 नंबर है। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, तो जैसे मैंने वैसे निकाल लीजिए। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि टोटल पेयर बनेगा 22। यानी यहाँ पे जो डॉट 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 बीच में दे रखा था, तो ये टोटल पेयर बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक कुल कितना 22 पेयर, और एक पेयर का वैल्यू ओवन है तो टोटल पेयर का वैल्यू ओवन ही रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल के ओवन हो जाएगा 22 ना, जैसे टोटल पेयर बना 22 और एक पेयर का वैल्यू ओवन, तो सबका वैल्यू ओवन ही रहेगा। यानी टोटल कितना ओवन हो जाएगा 22, तो ये हो जाएगा 1 × 22 और +1, तो यहाँ पे हो गया 22 + 1, डेट मीन्स 23। यहाँ पे 1 × 22 हुआ, जो समझ आ रहा है कि आपको नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पे कुल कितना पेयर है, 22 पेयर है। यानी 22 पेयर का मतलब क्या हुआ, टोटल 22 ओवन होगा बीच में, यहाँ से लेके यहाँ तक, बीच में नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक कुल कितना ओवन है, 22 ओवन है। तो यहाँ पे जब 22 ओवन है, जैसे देखिए ना, जैसे यहाँ पे रहेगा 1 + 1 + 1 + 1, अगर इसको ऐड करना है तो जैसे आपको पता है कि 1 2 3 4, 4 × 1 है, तो इसको 1 × 4 लिख सकते हैं ना, तभी 4 ही आएगा। तो यहाँ पे भी वही काम किए हैं, जैसे हमको पता चल गया कि टोटल 22 ओवन है, तो इसको हम 1 × 22 कर दिए, तो ये हो गया 22 और ये वाला 1 ओवन था, तो ये हो गया ओवन। तो 22 + 1 = 23, तो इसका वैल्यू आएगा 23। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे हो रहा है इफ साइन स्क्वायर थीटा -3 sin θ + 2 upon cos² θ = 1, देन थीटा = what। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दे रखा है sin² θ -3 sin θ + 2, और नीचे में दे रखा है cos² θ = 1। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा sin² θ -3 sin θ + 2 = यहाँ पे cos² θ को 1 से मल्टीप्लाई करिए, तो cos² θ × 1, ये हो जाएगा cos² θ। तो इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा sin² θ -3 sin θ + 2 = यहाँ पे बताइए cos² θ को sin² θ के टर्म में बदल दीजिए, काहे कि इस तरफ सब साइन के टर्म में है। तो cos² θ = होता है 1 − sin² θ। तो इसके बाद देखिएगा, अब देखिए sin² θ को इधर लाइए, तो ये माइनस में है, तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, और पहले से इधर एक sin² θ है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, डेट मीन्स ये हो जाएगा 2 sin² θ। आ रहा बात समझ में, -sin² θ इधर आके प्लस हो गया और पहले से एक था, तो दोनों ऐड होकर हो जाएगा 2 sin² θ। फिर यहाँ पे -3 sin θ है, तो इसको लिखिए। इसके बाद ओवन को इधर ला के माइनस करिए, तो 2 − 1 कितना हो जाएगा, ओवन हो जाएगा = 0। अब आपको फैक्टोराइज कर लेना है, जैसे देखिए यहाँ पे एक्स की जगह सिर्फ साइन थीटा लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे ये रहता 2x² − 3x + 1 = 0, इस तरीके से रहता था ना इक्वेशन। तो यहाँ पे एक्स की जगह सिर्फ साइन थीटा लिख दिया है, तो यहाँ पे एक्स की जगह साइन थीटा और यहाँ पे x² है, तो ये हो गया sin² θ। तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करिए, तो 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो 2 होगा, इसको दो नंबर में ब्रेक करना है ताकि मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाए और ऐड करने पे -3 आ जाए, तो ये टूट जाएगा -2 और -1। तो दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो +2 आ जाएगा, और दोनों को ऐड करिएगा तो -3 आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे जब फंक्शन एक्स के टर्म में रहता था, तो आप इसको क्या करते थे, इसके साथ एक्स को मल्टीप्लाई करके लिख देते थे। तो यहाँ पे ये साइन थीटा के टर्म में है, तो यहाँ पे इसके साथ आपको साइन थीटा मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। जैसे समझिए, ये 2 sin² θ है, और यहाँ पे हो जाएगा
माइनस टू साइन थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ भी प्लस वन है तो प्लस वन हो जाएगा इक्वल टू जीरो। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद देखिएगा, इधर ये दोनों से और इधर ये दोनों से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बताइए ये दोनों में कितना कॉमन दिख रहा है, टू साइन थीटा दोनों तरफ है, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं टू साइन थीटा, तो यहाँ पे बच जाएगा साइन थीटा माइनस वन। और यहाँ पे बताइए ये दोनों में कितना कॉमन है, तो ये दोनों में माइनस वन कॉमन है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, ये प्लस में हो जाएगा और वन माइनस में हो जाएगा इक्वल टू जीरो। अब इसके बाद देखिए, अब ये दोनों से आपको कॉमन लेना होगा, तो साइन थीटा माइनस वन यहाँ भी है और साइन थीटा माइनस वन यहाँ भी है, तो आप साइन थीटा माइनस वन को बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ भी बच जाएगा टू साइन थीटा और यहाँ भी बच जाएगा माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब आप बारी बारी से जीरो पुट करिए, तो इस तरफ हो जाएगा साइन थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू वन। इस तरफ देखिए यहाँ पे टू साइन थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से हो जाएगा टू साइन थीटा इक्वल टू वन। तो यहाँ से बताइए साइन थीटा का वैल्यू, तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा वन बाई टू। यहाँ पे टू मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड में हो गया। अब आपसे वैल्यू पूछा था थीटा का, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे बताइए जो वन है वो साइन में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो आपको पता होगा कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू वन होता है, तो यहाँ पे वन की जगह पुट हो गया साइन 90 डिग्री। अब एंगल को कंपेयर कर लीजिए, तो इस तरफ एंगल है थीटा और इस तरफ एंगल है 90 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा हियर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब इस तरफ देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे बताइए कि साइन थीटा में वन बाई टू कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो आपको पता होगा कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू वन बाई टू होता है, तो वन बाई टू की जगह पुट हो गया साइन 30 डिग्री। अब एंगल को कंपेयर करिए, तो यहाँ पे एंगल है थीटा और यहाँ पे एंगल है 30 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा इक्वल टू 30 डिग्री इस तरीके से। तो थीटा का वैल्यू आ गया 30 डिग्री और थीटा का वैल्यू आ गया 90 डिग्री। अब यहाँ पे आपको देखना है कि कौन वैल्यू होगा और कौन वैल्यू नहीं होगा, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 30 डिग्री होगा लेकिन 90 डिग्री नहीं होगा। अब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री क्यों नहीं होगा, तो यहाँ पे देखिएगा जैसे यहाँ पे नीचे में है कॉस स्क्वायर थीटा, और जब थीटा की जगह आप 90 पुट करिएगा तो देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर 90। अब बताइए कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 90 का वैल्यू होता है जीरो, ये हो जाएगा जीरो का स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर जीरो। तो यहाँ पे जब आप थीटा की जगह 90 पुट करें तो नीचे में कितना आ जाएगा, नीचे में जीरो हो जाएगा ना, और आपको पता है कि जैसे ही डिनोमिनेटर में जीरो आएगा तो उसका वैल्यू तो इन्फिनाइट हो जाता है, तो ये इक्वेशन ही फिर सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है आपको आ रहा है समझ में, क्या कि जब यहाँ पे आप 90 पुट करिएगा तो ये पूरा टर्म हो जाएगा जीरो, और आपको पता है कि अगर डिनोमिनेटर में जीरो आता है तो इसका वैल्यू इन्फिनाइट हो जाता है, तो यहाँ भी वहीं से जब डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो फिर ये इक्वेशन बचेगा कैसे, ये तो पूरा टर्म ही इन्फिनाइट हो जाएगा। हमेशा ये रखिएगा कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, इसी वजह से यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू आया है 90 डिग्री ये पॉसिबल नहीं है। नंबर 13 यहाँ पे बोला इफ़ कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन पी पावर फोर थीटा इक्वल टू भाट। तो यहाँ पे देखिए जो चीज़ दे रखा है ना पहले उसी से चलिए, तो यहाँ पे दे रखा है कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन दे रखा है, तो यहाँ पे आप क्या करिए ना कि कॉस स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेजिए, तो इस तरफ बच जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ पे बताइए वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ गया कॉस थीटा। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे जिसका वैल्यू निकालना था इसको आप नोट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा नाउ यहाँ पे वैल्यू निकालना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन पी पावर फोर थीटा। तो यहाँ पे देखिएगा तो इसको आप लिखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस और साइन पी पावर फोर थीटा है तो इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इस तरीके से।
अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना लाए थे, कॉस थीटा, तो इसको यहाँ पे पुट करिए तो साइन स्क्वायर थीटा का जगह कॉस थीटा हो गया प्लस, और यहाँ पे भी पुट करिए कॉस थीटा, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पे ब्रैकेट हटाइए तो ये जो स्क्वायर है वो कॉस के ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे बताइए कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्वेश्चन में ही दे रखा है। यहाँ पे देखिए कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन दे रखा है, तो यहाँ पे आप वन पुट कर दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा वन, तो इसका आंसर वन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे हो रहा है इफ टेन क्यू थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा माइनस वन इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी टेन थीटा देन ए प्लस बी इक्वल टू वाट। तो यहाँ पे देखिए जो चीज़ दे रखा है ना उसको पहले यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, तो यहाँ पे दे रखा है हेयर टेन क्यू थीटा माइनस वन और नीचे में है टेन थीटा माइनस वन इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी टेन थीटा। तो इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे टेन क्यू थीटा है, तो टेन क्यू थीटा को आप टेन थीटा का होल क्यू लिख सकते हैं इस तरीके से माइनस, और वन को लिखिए वन का होल क्यू, और नीचे में जो है उसको रहने दीजिए, तो यहाँ पे है टेन थीटा माइनस वन, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी टेन थीटा। तो इसके बाद देखिएगा अब यहाँ पे जो ऊपर वाला है वो ए क्यू माइनस बी क्यू पे टूट जाएगा, तो यहाँ पे इसका हम फार्मूला लिख दे रहे हैं ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे टेन थीटा को आप ए मान लीजिए और ये वन को बी मान लीजिए, तो यहाँ पे आपको ए की जगह रखना होगा टेन थीटा और बी की जगह रखना होगा वन, तो यहाँ पे पुट करिए तो यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा माइनस वन इंटू फिर है ए स्क्वायर, तो ए का वैल्यू टेन थीटा है तो टेन थीटा का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, फिर है प्लस तो यहाँ पे आएगा प्लस, फिर है ए इंटू बी, तो यहाँ पे टेन थीटा इंटू वन हो जाएगा और टेन थीटा इंटू वन तो ये टेन थीटा ही रहेगा प्लस। इसके बाद है बी स्क्वायर, अब बी का वैल्यू वन तो वन का स्क्वायर करिए तो वन आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करिए इसके बाद नीचे में जो है उसको लिखिए, तो यहाँ पे नीचे में है टेन थीटा माइनस वन, इसके बाद इस तरफ लिखिए तो यहाँ पे है ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी टेन थीटा। पहले आप देख लीजिए कि इस स्टेप में आपको कोई दिक्कत ना हो, इसके बाद आप आगे बढ़िए। तो यहाँ पे टेन थीटा माइनस वन क्या है, ऊपर में इनटू में है तो ये टेन थीटा माइनस वन से टेन थीटा माइनस वन कटेगा, तो यहाँ पे ऊपर में बच गया टेन स्क्वायर थीटा और प्लस वन को इसके साथ लिखिए, इसको एक साथ और प्लस टेन थीटा है इस तरफ लिख लीजिए, यहाँ पे है ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी टेन थीटा। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे आप बताइए कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इसका वैल्यू कितना होता है, और अगर आपको नहीं पता चल रहा तो यहाँ पे फिर देखिए जैसे आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, और यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा प्लस में है ना, तो ये जो माइनस टेन स्क्वायर थीटा है इसको आप उस तरफ भेजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ गया सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पुट करिए सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी टेन थीटा। अब इसके बाद आपको कंपेयर कर लेना है, तो यहाँ पे देखिए नाउ कंपेयर बोथ साइड्स, यहाँ पे सेक स्क्वायर वाला को सेक स्क्वायर के साथ और टेन वाला को टेन के साथ कंपेयर करिए, तो यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा के साथ कंपेयर करिए, तो यहाँ पे है सेक स्क्वायर थीटा और इस तरफ है ए सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा से कटेगा सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो वन बचा
और यहाँ पे ए यानी ए का वैल्यू हो जाएगा वन। इसके बाद देखिएगा टेन थीटा वाला को टेन के साथ कंपेयर करिए, तो इस तरफ है टेन थीटा और उस तरफ है बी टेन थीटा, तो यहाँ पे भी टेन थीटा से कटेगा टेन थीटा, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं तो वन बचा और उस तरफ बी, तो बी का वैल्यू आ गया वन। इसके बाद देखिएगा आपको वैल्यू यहाँ पे निकालना था ए प्लस बी का, तो यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं नाउ ए प्लस बी, तो यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू वन आया है और बी का वैल्यू वन आया है और दोनों को ऐड करेगा तो ये टू आ जाएगा। नंबर 15 यहाँ पे बोल रहा है द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कोस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कोस थीटा इच, तो यहाँ पर देखिए इसको आप नोट कर लीजिए इसका वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा हेयर कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू फिर दे रखा है सेक थीटा माइनस कोस थीटा इंटू फिर दे रखा है टेन थीटा प्लस कोट थीटा, इस तरीके से। तो इसके बाद देखिएगा यहाँ पे कोसेक को साइन में तोड़िए, तो ये हो जाएगा वन बाई साइन थीटा, यहाँ पे माइनस साइन थीटा है तो इसको भी लिखिए। इसके बाद है इंटू, अब सेक को कॉस में तोड़िए, तो यहाँ पे हो जाएगा वन बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा है तो माइनस कॉस थीटा इंटू, यहाँ पे देखिए टेन थीटा को आपको तोड़ना होगा साइन कॉस में, तो यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस, अब यहाँ पे देखिए कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इस तरीके से। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद देखिएगा अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे साइन थीटा और वन का एलसीएम साइन थीटा होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वन माइनस यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एलसीएम लीजिए, तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा कैसे हो रहा है आपको आ रहा है समझ में, जैसे यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो वन है, तो वन से कॉस थीटा को डिवाइड करिए तो कॉस थीटा बार में कटेगा और कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करिए तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके बाद इधर देखिए यहाँ पे एलसीएम लीजिए, तो कॉस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम दोनों इंटू में हो जाएगा, दैट मीन्स कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए कॉस थीटा से कटेगा कॉस थीटा तो बचेगा साइन थीटा और साइन थीटा को मल्टीप्लाई करिए साइन थीटा से, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस। इसके बाद साइन थीटा से कटेगा साइन थीटा, तो यहाँ पे बचेगा कॉस थीटा और कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे बताइए वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे में साइन थीटा है तो इसको भी लिखिए इनटू। अब यहाँ पे बताइए वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर थीटा और नीचे में कॉस थीटा है तो इसको भी लिखना होगा इनटू। और यहाँ पे देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है वन होता है ना, तो यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा वन और नीचे में जो है उसको लिखिए, तो यहाँ पे है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। पहले आप यहाँ तक देख लीजिए कि यहाँ तक आपको किसी भी स्टेप में दिक्कत ना हो। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा से कटेगा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा से कटेगा साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे ऊपर में बच गया वन और नीचे में भी वन, तो वन बाई वन का मतलब वन, तो इसका आंसर आ जाएगा वन। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दे रखा है अंडर रूट माइनस फोर प्लस फिर दे रखा है अंडर रूट एट प्लस 16 कोसेक पी पावर फोर थीटा प्लस साइन पी पावर फोर थीटा इक्वल टू ए कोसेक थीटा प्लस बी साइन थीटा देन ए इक्वल टू भाट एंड बी इक्वल टू भाट। देखिए ये एक आसान क्वेश्चन है, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि आपको किसी स्टेप में दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा ये बड़ा होगा लेकिन हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे पहले जो चीज़ दे रखा है इसको आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट माइनस फोर प्लस फिर है अंडर रूट एट प्लस 16 कॉसेक पे पावर फोर थीटा
साइन पे पावर 4 थीटा, और इस तरफ दे रखा है ए कोसेक थीटा प्लस बी साइन थीटा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट -4 प्लस, फिर अंडर रूट दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस, यहाँ पे देखिएगा 16, और कॉसेक पे पावर 4 थीटा है तो इसको आप साइन में बदलिए तो ये नीचे आ जाएगा, डेट में से ये हो जाएगा साइन पे पावर 4 थीटा। जैसे आपको पता है ना कि 1 बाई कॉसेक, यहाँ पे ये है कॉसेक थीटा, जैसे कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई साइन थीटा इस तरीके से। अब यहाँ पे कॉसेक पे पावर 4 है तो यहाँ पे पावर 4 रहेगा, यानी कॉसेक पे पावर 4 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई साइन पे पावर 4 थीटा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं, कॉसेक पे पावर 4 थीटा इक्वल टू हो गया 1 बाई साइन पे पावर 4 थीटा, और 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेगा तो 16 रहेगा, और नीचे में साइन पे पावर 4 थीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे साइन पे पावर 4 थीटा है तो इसको लिख दीजिए इक्वल टू, इस तरफ है ए कोसेक थीटा प्लस बी साइन थीटा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट -4 प्लस, फिर है अंडर रूट, अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आएगा साइन पे पावर 4 थीटा, यही ना एलसीएम होगा, जैसे इसके नीचे ओवन और यहाँ पे भी इसके नीचे ओवन, तो ओवन और साइन पे पावर 4 थीटा के एलसीएम साइन पे पावर 4 थीटा। तो यहाँ पे बताइए कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 साइन पे पावर 4 थीटा, यहाँ पे तो 16 ही रहेगा, और यहाँ पे बताइए कितना होगा, तो यहाँ पे होगा साइन पे पावर 8 थीटा। अब देखिए, अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि यहाँ पे साइन पे पावर 16 थीटा आएगा तो ये गलत है, यहाँ पे 4 × 4 नहीं होता, ये 4 + 4 होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको करके दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे आपको आ रहा है समझ, जैसे इसके नीचे कुछ नहीं तो ओवन है, तो ओवन से इसको डिवाइड करेगा तो साइन पे पावर 4 थीटा बार में कटेगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, यानी साइन पे पावर 4 थीटा × साइन पे पावर 4 थीटा। यहाँ पे देखिए आपको करके दिखाते हैं, साइन पे पावर 4 थीटा × साइन पे पावर 4 थीटा, तो साइन पे पावर 4 थीटा को आप साइन थीटा पे पावर 4 लिख सकते हैं इनटू, और यहाँ पे भी हो जाएगा साइन थीटा पे पावर 4। तो आपको पता है कि अगर मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे भी बेस साइन थीटा और यहाँ पे भी बेस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा पे पावर 4 + 4, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा पे पावर 8, और जब इस ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये हो जाएगा साइन पे पावर 8 थीटा। तो इसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये पावर ऐड हो जाता है, जब भी मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएगा, ना कि इस पावर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो यहाँ पे 4 + 4 8 हो गया। इस तरफ जो है इसको लिखिए, तो ये हो जाएगा ए कोसेक थीटा प्लस बी साइन थीटा। इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट -4 प्लस, फिर दीजिए अंडर रूट, यहाँ पे इसको अरेंज करके लिख दीजिए, ये फार्मूला पे अरेंज हो जाएगा। जैसे पहले इसको लिखिए साइन पे पावर 8 थीटा को, जैसे साइन पे पावर 8 थीटा है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं साइन पे पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर इस तरीके से प्लस, और 16 को आप लिखिए 4 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद होता है 2ab, यहाँ पे ध्यान से आप देखिएगा, तो यहाँ पे हो गया 2, a का वैल्यू कितना है साइन पे पावर 4 थीटा, और b का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब देखिए आप ये तीनों को मल्टीप्लाई करिए, क्या ये वाला टर्म नहीं आ रहा है, जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 × 4 8 साइन पे पावर 4 थीटा, और यहाँ पे भी वही चीज़ है। तो एक बार फिर से देख लीजिए हम कैसे किए हैं, साइन पे पावर 8 थीटा को हम लिखे हैं साइन पे पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर, और 16 को लिखे हैं 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर होता है +2ab, तो +2, ये तो फार्मूला वाला ही हो गया, इनटू ए का वैल्यू है साइन पे पावर 4 थीटा, तो ए की जगह साइन पे पावर 4 थीटा, और बी का वैल्यू 4 है तो बी की जगह 4, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये वाला टर्म भी आ रहा है। इसके बाद देखिए नीचे में, तो नीचे में है साइन पे पावर 4 थीटा, तो इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का
होल स्क्वायर इस तरीके से। इस तरफ जो है इसको लिखिए, तो यहाँ पे है ए कोसेक थीटा प्लस बी साइन थीटा। आप देखते जाएगा स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं ताकि आपको किसी स्टेप में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट माइनस फोर प्लस, फिर हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पर देखिए ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और ए का वैल्यू है साइन पी पावर फोर थीटा प्लस और बी का वैल्यू है फोर, ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर और नीचे में है साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इस तरीके से। और इधर जो है इसको लिखिए, तो ये हो जाएगा ए कोसेक थीटा प्लस बी साइन थीटा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट माइनस फोर प्लस और यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट, देखिए यहाँ पे ऊपर में भी स्क्वायर है और नीचे में भी स्क्वायर है तो इसको एक साथ कर दीजिए। जैसे ऊपर में है साइन पी पावर फोर थीटा प्लस फोर अपॉन और नीचे में है साइन स्क्वायर थीटा और ये पूरा पे स्क्वायर चढ़ा दीजिए इस तरीके से। तो जैसे यहाँ ब्रैकेट हटाइएगा तो ऊपर में भी स्क्वायर आ जाएगा और नीचे में भी स्क्वायर आ जाएगा, मतलब यही वाला फॉर्म आ जाएगा। इधर जो है इसको लिखिए, तो ये हो जाएगा ए कोसेक थीटा प्लस बी साइन थीटा। अब इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट माइनस फोर प्लस और यहाँ पे स्क्वायर से ये अंदर वाला रूट क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बचेगा उसको लिखिए, तो यहाँ बच जाएगा साइन पी पावर फोर थीटा प्लस फोर और नीचे में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए कोसेक थीटा प्लस बी साइन थीटा। अब इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे भी आप फिर से एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो वन है, तो यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो वन और साइन स्क्वायर थीटा का एलसीएम साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस फोर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पे तो ऊपर में वही चीज रहेगा काहे के साइन स्क्वायर थीटा से ये कटेगा एक बार में और एक को इससे मल्टीप्लाई करेगा तो यही चीज रहेगा साइन पी पावर फोर थीटा प्लस फोर इक्वल टू, यहाँ पे जो है इसको लिखिए, तो ये है ए कोसेक थीटा प्लस बी साइन थीटा। तो इसके बाद ध्यान दीजिएगा ये भी ऊपर वाला फार्मूला पे अरेंज हो जाएगा। तो पहले इसको अरेंज करके लिख लीजिए, जैसे साइन पी पावर फोर थीटा को आगे लिख लेते हैं फिर प्लस फोर और इसको बाद में लिखिए, तो ये हो जाएगा माइनस फोर साइन स्क्वायर थीटा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और नीचे में जो है उसको लिखिए, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए कोसेक थीटा प्लस बी साइन थीटा। तो इसके बाद ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे साइन पे पावर फोर थीटा है तो इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस, फिर फोर को आप लिखिएगा टू का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर माइनस टू ए बी हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस टू और ए का वैल्यू कितना है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू और बी का वैल्यू दो है तो यहाँ पे आ जाएगा दो और यहाँ पे आप तीनों को मल्टीप्लाई करिए यही वाला चीज़ आ जाएगा टू इंटू टू फोर और साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। और आपको बात समझ में, जैसे साइन पी पावर फोर थीटा को हम लिखे हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, फिर फोर को लिखें टू का होल स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर माइनस टू ए बी हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस टू तो फॉर्मूले में होता है, फिर ए का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा तो यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर थीटा और बी का वैल्यू दो है तो यहाँ पे टू हो गया। फिर नीचे में जो है उसको लिख दीजिए, तो यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए कोसेक थीटा प्लस बी साइन थीटा। तो अब देखिएगा इसके बाद, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे बताइए ऊपर में, तो ऊपर में ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे आएगा ना, और ए का वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा तो यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस और बी का वैल्यू है दो तो यहाँ पे हो जाएगा दो का होल स्क्वायर। और नीचे में देखिएगा, नीचे में है साइन स्क्वायर थीटा तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को आप साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरीके से। इधर जो है इसको रहने दीजिए,
तो यहाँ पे है ए कोसेक थीटा प्लस बी साइन थीटा। तो अब इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे स्क्वायर ऊपर में भी है और स्क्वायर नीचे में भी, तो इसको एक साथ कर दीजिए। जैसे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू, और नीचे में है साइन थीटा, और पूरा पे स्क्वायर चाहिए इस तरीके से। आ रहा बस समझ में? जब आप ब्रैकेट हटाइएगा तो ये जो स्क्वायर है ऊपर में भी आ जाएगा और नीचे में भी आ जाएगा। इस तरफ जो है इसको रहने दीजिए। तो यहाँ पे है ए कोसेक थीटा प्लस बी साइन थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए स्क्वायर से रूट क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू, और नीचे में साइन थीटा इक्वल टू इस तरफ हो जाएगा ए कोसेक थीटा प्लस बी साइन थीटा। अब आप यहाँ पे सेपरेट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये जो साइन थीटा है वो दोनों के नीचे है, तो इसको अलग अलग करके लिखिए। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा वाई साइन थीटा, और इस तरफ हो जाएगा माइनस टू अपॉन साइन थीटा, और इस तरफ जो है इसको रहने दीजिए। तो यहाँ पे है ए कोसेक थीटा प्लस बी साइन थीटा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साइन थीटा से कटेगा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा ऊपर में बच गया साइन थीटा माइनस, और यहाँ पे है टू अपॉन साइन थीटा, तो साइन थीटा को ऊपर भेजिए, तो ये हो जाएगा टू कोसेक थीटा। साइन का अपोजिट कोसेक होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा टू कोसेक थीटा इक्वल टू ए कोसेक थीटा प्लस बी साइन थीटा। अब आप कंपेयर कर लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा नाउ कंपेयर बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आपको साइन थीटा को साइन थीटा के साथ कंपेयर करना होगा और कॉस थीटा को कॉस थीटा के साथ। तो जैसे देखिए पहले यहाँ पे हम साइन थीटा को कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू इस तरफ है बी साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा से कटेगा साइन थीटा, तो यहाँ पे ओवन बचेगा ना, इस तरफ बी, तो बी का वैल्यू आ गया ओवन। इसके बाद कॉसेक वाला को कंपेयर करिए, तो यहाँ पे है माइनस टू कॉसेक थीटा इक्वल टू, और इस तरफ है ए कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे कॉसेक थीटा से कटेगा कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे बच गया माइनस दो, और इस तरफ ए, यानी ए का वैल्यू आ गया माइनस दो और बी का वैल्यू ओवन। लेकिन बुक में आंसर दे रहा है ए का वैल्यू दो और बी का वैल्यू -1, ये वाला दे रहा बुक में आंसर। तो आप यहाँ पे देखिए ये जो आंसर लाए हैं ये भी पूरी तरीके से सही है, ठीक है, ये भी पूरी तरीके से सही है, और ये जो बुक वाला जो आंसर है वो भी आपको हम ला के दिखाएंगे कि ये वाला आंसर क्यों नहीं आया। तो पहले इसको आप समझ लीजिए आराम से, ये भी आंसर पूरी तरीके से सही है। इसके बाद आप देखिएगा बुक वाला आंसर नहीं आने का कारण यहाँ पे है, यहाँ से आपको फिर से चलना होगा। ये जो स्क्वायर किए थे ना साइन स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आप फिर से चलिए। तो इस स्टेप को हम फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा उसके ऊपर सारा कुछ सही था, वहीं से गड़बड़ हुआ है। जैसे यहाँ पे था अंडर रूट, यहाँ पे ऊपर में था साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू का होल स्क्वायर, और नीचे में था साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इस तरफ है ए कोसेक थीटा प्लस बी साइन थीटा। तो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ये जैसे साइन स्क्वायर थीटा माइनस दो का होल स्क्वायर, तो इसको आप उलट के भी लिख सकते हैं। जैसे टू माइनस थ्री का होल स्क्वायर है, तो इसको आप थ्री माइनस टू का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए इसको भी आप उलट के लिख सकते हैं। ये कैसे होता है जो आपको सिखाते हैं, जैसे यहाँ पे जो अंदर में है साइन स्क्वायर थीटा माइनस दो, तो इससे आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लीजिए, तो जैसे आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो दो था माइनस में तो ये हो गया प्लस, और साइन स्क्वायर थीटा था प्लस में तो ये हो गया माइनस, और यहाँ पे पूरा पे आ जाएगा स्क्वायर, ये स्क्वायर है तो पूरा पे स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पहले आ रहा है आपको समझ में, यहाँ पे हम ये दोनों से माइनस कॉमन लिए हैं, तो जब आप माइनस कॉमन लिए तो माइनस टू हो गया प्लस टू, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस में था वो हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
और पूरा पे होल स्क्वायर था, तो ये पूरा पे होल स्क्वायर आ गया। अब जैसे ही आप इस ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये जो स्क्वायर है वो दोनों के ऊपर आ जाएगा, माइनस के ऊपर भी और ये पूरा के ऊपर। तो यहाँ पे जैसे इस ब्रैकेट को हटाइए तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इस तरीके से ही होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर ब्रैकेट में जैसे माइनस में हो तो इसको आप उलट के भी लिख सकते हैं। जैसे 2 माइनस 3 का स्क्वायर है तो इसको आप 3 माइनस 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 का स्क्वायर था तो इसको आप 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको उलट के लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए आपका जो बुक वाला आंसर है वही आ जाएगा। इस तरफ जो है इसको लिखिए तो ये हो जाएगा 1 cosec थीटा + b sin थीटा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे ऊपर में भी स्क्वायर नीचे में भी स्क्वायर, तो इसको एक साथ लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे में है sin थीटा, और पूरा पे स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 1 cosec थीटा + b sin थीटा। अब इसके बाद देखिए तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे में sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 cosec थीटा + b sin थीटा। अब आप सेपरेट करिए इसको, तो ये हो जाएगा 2 बाई sin थीटा - यहाँ पे हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा / sin थीटा इक्वल टू यहाँ पे है 1 cosec थीटा + b sin थीटा। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद तो 2 अपॉन sin थीटा, तो ये हो जाएगा 2 cosec थीटा - यहाँ पे साइन से साइन कटेगा तो यहाँ पे 1 sin थीटा बच जाएगा इक्वल टू 1 cosec थीटा + b sin थीटा। अब आप कंपेयर कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा नाउ कंपेयर बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आप साइन वाला को साइन के साथ और कॉस वाला को कॉस के साथ कंपेयर करिए, तो यहाँ पे है 2 cosec थीटा और इस तरफ कॉसेक वाला है 1 cosec थीटा। फिर साइन वाला को कंपेयर करिए तो यहाँ पे है -sin थीटा और इस तरफ है b sin थीटा। तो यहाँ पे देखिएगा कॉसेक थीटा से कट जाएगा कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे बच गया 2 और इस तरफ a, यानी a का वैल्यू आ जाएगा 2। और यहाँ पे देखिए साइन थीटा से कट गया साइन थीटा, तो यहाँ पे बचेगा -1 = b, तो यहाँ पे आ जाएगा b का वैल्यू -1, जो कि बुक में यही वाला आंसर दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे हो रहा है इफ tan θ + 2 × 2 tan θ + 1 = a tan θ + b sec² θ देन ए इंटू बी इक्वल टू भाट। तो यहाँ पे देखिए जो चीज़ दे रखा है ना उसको पहले आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा हेयर tan θ + 2 × फिर दे रखा है 2 tan θ + 1 इक्वल टू a tan θ + b sec² θ। तो अब देखिएगा इसके बाद तो यहाँ पे आप क्या करिए ना कि ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो पहले हम 2 tan θ से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 tan θ को पहले tan थीटा से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 tan² θ। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद 2 tan θ को 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 tan θ। अरे बात समझ में, तो यहाँ पे हम 2 tan θ को दोनों से मल्टीप्लाई कर लिए हैं। इसके बाद ओवन को दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो जब आप ओवन को दोनों से मल्टीप्लाई करेगा तो यही चीज़ रह जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा tan θ + 2। और इस तरफ जो है इसको लिखिए तो यहाँ पे है a tan θ + b sec² θ। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे 2 वाला को एक जगह कर लीजिए, तो यह है 2 tan² θ + 2, और यहाँ पे ये दोनों को ऐड कर दीजिए तो 4 tan θ + 1 tan θ, तो इसको ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 5 tan θ इक्वल टू a tan θ
प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ से आप दो कॉमन ले लीजिए, तो दो कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन। ये दोनों से हम दो कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे हो गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे वन और यहाँ पे फाइव टेन थीटा है, तो इसको लिखिए इक्वल टू ए टेन थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा टू और यहाँ पे बताइए टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल टू कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पे देखिए, जैसे आप पढ़ चुके हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, अब यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा प्लस में है तो आप ये जो माइनस टेन स्क्वायर थीटा है उसको आप उस तरफ भेज दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ गया सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर इसको लिख लीजिए फाइव टेन थीटा इक्वल टू ए टेन थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा इसके बाद अब आपको कंपेयर करना होगा, तो यहाँ पे करिए, यहाँ पे हो जाएगा नाउ कंपेयर बोथ साइड्स, तो यहाँ पे आपको टेन थीटा को टेन थीटा के साथ कंपेयर करना है और सेक स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा के साथ, तो यहाँ पे देखिएगा बारी बारी से हम दोनों को करेंगे, तो पहले सेक अलाउ करिए तो इस तरफ है टू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू और इस तरफ है बी सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा बी सेक स्क्वायर थीटा। फिर टेन वाला को भी कर लीजिए, तो यहाँ पे है फाइव टेन थीटा इक्वल टू और इस तरफ है ए टेन थीटा, तो यहाँ पे इसको लिखिए ए टेन थीटा। आ रहा बात समझ में, टेन वाला को टेन के साथ और सेक स्क्वायर वाला को सेक स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा से कटेगा सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे बच गया टू इक्वल टू बी, यानी बी का वैल्यू आ गया दो। यहाँ पे देखिए टेन थीटा से कटेगा टेन थीटा, तो यहाँ पे बचेगा फाइव और इस तरफ ए, यानी ए का वैल्यू आ गया फाइव। और आपसे वैल्यू पूछा था किसका, यहाँ पे देखिए आपसे वैल्यू पूछा है ए इंटू बी का, तो यहाँ पे ए इंटू बी का वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ पे ए इंटू बी डेट मीन्स ए बी इक्वल टू हो जाएगा फाइव इंटू टू, तो यहाँ पे टेन आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा टेन। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे हो रहा है इफ टू साइन थीटा प्लस थ्री कॉस थीटा इक्वल टू टू देन थ्री साइन थीटा माइनस टू कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आप एक्सरसाइज में भी बनाए थे, तो अगर आपको याद आ रहा है तब सही है, अन्य तो फिर हम इसको तो कराएंगे ही कराएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि आप क्रॉस में देखिए यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे भी थ्री, यहाँ पे दो है, यहाँ पे भी दो। आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए, यहाँ पे एक प्लस है तो दूसरा माइनस रहेगा, अगर ये माइनस रहता तो ये प्लस होता, और यहाँ पे कोफिशियंट इक्वल रहेगा, जैसे साइन थीटा का कोफिशियंट दो है तो यहाँ पे क्रॉस में कॉस थीटा का कोफिशियंट भी दो है, इस तरफ कॉस थीटा का कोफिशियंट थ्री है तो यहाँ पे साइन थीटा का भी थ्री है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहता तो देखिए इसको कैसे करते हैं, पहले जो दे रखा उसको लिखिए, तो यहाँ पे हियर टू साइन थीटा प्लस थ्री कॉस थीटा इक्वल टू टू दे रखा है, तो इसको आप मान लीजिए इक्वेशन वन, और यहाँ पे बोला कि थ्री साइन थीटा माइनस टू कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या करिए ना कि इतना इक्वल टू आप लेट कर लीजिए एक्स, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा लेट थ्री साइन थीटा माइनस टू कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, इसको आप एक्स लेट कर लीजिए, और यहाँ पे ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड, तो यहाँ पे आप दोनों इक्वेशन को सोल्व करके एक्स का वैल्यू निकालिए, और जो एक्स का वैल्यू जब एक्स का वैल्यू आएगा तो उसको यहाँ पे पुट कर दीजिएगा तो इसका वैल्यू निकल जाएगा जो कि आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए दोनों इक्वेशन को हम सोल्व कैसे करते हैं, तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के लिए दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग और एडिंग करना होगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करना होगा, तो LHS वाले को LHS के साथ ऐड करिएगा और RHS वाले को RHS के साथ, तो जैसे पहले आप स्क्वायर करिए, तो यहाँ पे LHS ये है तो इसको पहले नोट करिए,
तो ये है 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, यहाँ पे इसका स्क्वायर करिए तो ये पूरा पे स्क्वायर आ जाएगा। फिर दूसरा LHS ये है तो इसको भी नोट करिए, और यहाँ पे आएगा प्लस क्योंकि आप ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, ये पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए LHS को हम स्क्वायर करके ऐड कर दिए हैं। अब RHS की तरफ आइए, तो यहाँ पे RHS में है 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर प्लस, और एक है एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, और दोनों को ऐड कर दिए हैं तो यहाँ पे बीच में आ गया प्लस। तो इस तरीके से आपको करना होगा स्क्वायरिंग एंड एडिंग। इसके बाद देखिएगा, अब इसको a+b के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये होता है a² और a की जगह है 2 sin थीटा, तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस b² और b की जगह है 3 cos थीटा, यहाँ पे हो जाएगा 3 cos थीटा का होल स्क्वायर। तो a² + b² + 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 a की जगह आ जाएगा 2 sin थीटा इंटू, फिर b की जगह आ जाएगा 3 cos थीटा। आ रहा बात समझ में? फिर प्लस है तो प्लस, इसको a - b के होल स्क्वायर पे तोड़िए। तो यहाँ पे देखिएगा a² तो a की जगह है 3 sin थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 sin थीटा का होल स्क्वायर। फिर होता है b² और b की जगह 2 cos थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 cos थीटा का होल स्क्वायर। फिर होता है -2ab, यहाँ पे -2 a की जगह, यहाँ पे देखिए 3 sin थीटा है तो 3 sin थीटा, और b की जगह 2 cos थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 cos थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये a+b का होल स्क्वायर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये a - b का होल स्क्वायर है। अब RHS में आइए, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही रहेगा। इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे ये इस ब्रैकेट को हटाइए तो ये जो स्क्वायर है वो दोनों के ऊपर आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और sin थीटा का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा sin²θ प्लस। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और cos²θ cos²θ, यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो पहले डिजिट को मल्टीप्लाई करिए, तो 2 × 2 = 4, और 4 × 3 = 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 sin θ × cos θ प्लस। यहाँ पे देखिएगा 3 का स्क्वायर 9 और sin θ² sin²θ प्लस, यहाँ पे देखिएगा 2 का स्क्वायर 4 और cos θ² cos²θ। इसके बाद यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा -2, यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे 2 × 3 = 6 और 6 × 2 = 12, तो यहाँ पे आएगा 12, और sin θ cos θ है तो इसको भी लिखना होगा sin θ × cos θ। आ रहा बात समझ में? अब RHS में जो है उसको लिख दीजिए, तो यहाँ पे है 4 + x². इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे 12 sin θ cos θ प्लस में और 12 sin θ cos θ माइनस में, तो ये तो कट जाएगा ना, ये कट गया। अब इसके बाद आप अरेंज कर लीजिए, जैसे 4 वाला को एक जगह लिखिए, 4 वाला 1 यहाँ है और 4 वाला 1 यहाँ है, ये दोनों को एक जगह कर लीजिए, तो ये है 4 sin²θ + 4 cos²θ, यहाँ पे हम 4 वाला को एक जगह कर लिए हैं। इसके बाद 9 वाला को भी एक जगह कर लीजिए, तो यहाँ पे देखिएगा ये दे रखा है 9 cos²θ + 9 sin²θ, तो यहाँ पे हम 9 वाला को भी एक जगह कर लिए हैं। फिर RHS में जो है उसको लिखिए, तो ये हो जाएगा 4 + x². इसके बाद देखिएगा, यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए, तो 4 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा sin²θ + cos²θ, फिर यहाँ से 9 कॉमन लीजिए तो 9 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा cos²θ + यहाँ पे हो जाएगा sin²θ = 4 + x². इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे sin²θ + cos²θ इसका वैल्यू 1 होता है, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4 ही रहेगा प्लस। यहाँ पे भी sin²θ + cos²θ इसका वैल्यू 1 होता है, और 1 को 9 से मल्टीप्लाई करिए तो 9 ही रहेगा = 4 + x². अब देखिए 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 9 = x², तो इसको आप लिख सकते हैं x² = 9, तो यहाँ पे x = हो जाएगा √9।
यहाँ पे 9 का रूट बताइए तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू, ये रूट का दो वैल्यू आता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 3, यानी x का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 3। अब देखिएगा जो आप लेट किए थे तो आप इतना इक्वल टू x लेट किए थे, तो यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर दीजिए तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा हेंस 3 sin थीटा -2 cos थीटा इक्वल टू एक्स लेट किए थे, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू पुट करिए तो यहाँ पे हो जाएगा सो 3 sin थीटा -2 cos थीटा इक्वल टू एक्स का वैल्यू आया प्लस माइनस 3, तो यहाँ पे रख दीजिए तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे हो रहा है इफ sin π/4a - cos π/4a = 1 एंड ए ग्रेटर देन 0 < 90°, यानी ए का जो वैल्यू आएगा वो 0 से बड़ा और 90 के इक्वल या उससे छोटा, देन ए बाई 2 इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे क्वेश्चन में ए लिखा, आप उसको सुधार के ए बाई 2 कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जो चीज़ दे रखा है उसी से आपको चलना है। जैसे यहाँ पे हो जाएगा हेयर sin π/4a - cos π/4a = 1, ये चीज़ दे रखा है। तो यहाँ पे देखिएगा sin π/4a को आप लिख सकते हैं sin²a² माइनस, और cos π/4a को भी लिखिए cos²a² इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा इसको आप a मान लीजिए और इसको आप b मान लीजिए, तो ये हो जाएगा a² - b² तो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a+b (a-b), यहाँ पे ए प्लस बी डेट मीन sin²a + cos²a, फिर होता है (a-b), तो यहाँ पे हो जाएगा sin²a - cos²a इक्वल टू 1 है, तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखिए sin²a + cos²a इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 sin²a - cos²a इक्वल टू 1। अब देखिए 1 को इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो यही चीज़ रह जाएगा, तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा sin²a - cos²a = 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद देखिए, अब आपको क्या करना है ना कि या तो दोनों को साइन में कर लीजिए या दोनों को कॉस में, जिसमें मने उसमें कर लीजिए। जैसे हम दोनों को कॉस में कर लेते हैं तो sin²a का वैल्यू बताइए, तो sin²a का वैल्यू होता है 1 - cos²a, और यहाँ पे -cos² है तो इसको भी लिखना होगा इक्वल टू 1। आ रहा ना आपको समझ में, जैसे sin²a की जगह यहाँ पे पुट हुआ है 1 - cos²a। जैसे आप पढ़े हैं ना कि sin²a + cos²a = 1 होता है, तो यहाँ से निकालिए sin²a का वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा cos²a को उधर भेजिए तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 - cos²a, यानी sin²a = होता है 1 - cos²a। तो यही तो वहाँ पे पुट हुआ है sin²a की जगह 1 - cos²a। तो इसके बाद देखिएगा तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे -cos²a - cos²a दोनों को ऐड करिए तो यहाँ पे हो जाएगा -2 cos²a, और यहाँ पे इसको इधर ले आइए तो -1, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 - 1 ये तो ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बच गया -2 cos²a = 0। तो इसके बाद देखिए -2 को इधर लाइए तो यहाँ पे बचेगा cos²a = यहाँ पे देखिए -2 इधर आएगा तो 0/-2 हो जाएगा, और 0/-2 0 ही रहेगा, जैसे 0/-2 तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 ही आएगा ना, इस तरीके से। अब देखिएगा इसके बाद तो यहाँ पे cos²a है तो इसको आप cos²a² लिख सकते हैं इक्वल टू 0। अब स्क्वायर को इस तरफ ले आइए तो यहाँ पे हो जाएगा cos A = √0, तो यहाँ पे हो जाएगा cos A = √0 ही होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा cos A = अब यहाँ पे बताइए कि cos में 0 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो आपको पता है कि cos 90° का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पे आप 0 की जगह cos 90 पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 0 की जगह cos 90, तो यहाँ पे एंगल को कंपेयर करिए तो यहाँ पे एंगल है A और यहाँ पे एंगल है 90 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा A = 90 डिग्री।
तो ए का वैल्यू आ गया 90 डिग्री। अब देखिएगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में किसका वैल्यू बोला था, क्वेश्चन बोला था ए बाई टू का वैल्यू। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे ए बाई टू का वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा नाउ ए बाई टू, तो यहाँ पे ए की जगह 90 पुट करिए, तो ये हो जाएगा 90/2, डैट मीन्स 45 डिग्री, यानी ए बाई टू का वैल्यू आ जाएगा 45 डिग्री।